दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मल्टीटेक टैलेंट। मैं हूँ सुधीर और चलिए चालू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों ये मेरे पास एक कार्ड आया है जिसमें डिस्प्ले का प्रॉब्लम आया है। कस्टमर को एक डिजिट दिखता ही नहीं, जैसे कि 1 किलो करते हैं तो खाली 990 ग्राम मतलब ग्राम में ही दिखता है, 1 kg हट जाता है। 1 के बाद डायरेक्ट 1 डिजिट छोड़ के डिस्प्ले आता है, तो एक बीच का डिस्प्ले जो है वो नहीं, मतलब 10 kg के अंदर का वेट नहीं, 10 kg तक वेट नहीं कर सकते। तो यही प्रॉब्लम है, अगर 1 kg के 1200 ग्राम 1300 ग्राम कुछ दिखना है तो 1 दिखता ही नहीं, वो डिजिट ग्लो होता ही नहीं। तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। देखिए मैंने काटा तो खोल दिया दोस्तों, और ये पहले हमें FRC जो है डिस्प्ले के सामने डिस्प्ले की बैक साइड में लगा है, और सेकंड डिस्प्ले का जो मैंने अभी निकाला है लेकिन वो भी हमें प्रॉपरली चेक करना है, क्योंकि कभी कभार डिस्प्ले FRC केबल भी फॉल्टी हो सकती है। तो मैंने अभी ये चेक करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने ये चेक किया है डिस्प्ले केबल तो परफेक्टली ओके है, डिस्प्ले केबल में कोई इशू नहीं है। मैंने इसको निकाल दिया हूँ और फिर वापस मैं इस बोर्ड को निकालने वाला हूँ। तो ये इसके अंदर डिस्प्ले कनेक्टर के बाजू में कुछ ट्रांजिस्टर लगे हैं, उसमें फॉल्ट हो सकता है, तो हमें ये भी ज़रूर ध्यान देना है कि ये ट्रांजिस्टर सही है या कुछ किसी में गड़बड़ है। तो देखिए मैंने बोर्ड निकाल दिया है और देखते हैं, ऊपर से तो ऐसा कुछ ख़राब दिखता नहीं है, लेकिन हमें प्रॉपरली उसका मल्टी रीडिंग का यूज़ करके इसको चेक करना है। तो चलो मल्टीमीटर हमने कनेक्ट कंटिन्यूटी पे रखा है उसका स्विच, तो 1 by 1 6 ट्रांजिस्टर रहते हैं टोटल। इसको चेक करेंगे जो कंटिन्यूटी मीटर पे लगा डिस्प्ले है, 8 डिजिट का डिस्प्ले रहता है, उसमें 6 डिस्प्ले लगे रहते हैं अलग अलग, तो हर डिजिट के लिए 1 ट्रांजिस्टर लगा है, तो उसके हिसाब से हम 1 ट्रांजिस्टर चेक करने वाले हैं। ओके है, जो कि कंटिन्यूटी मीटर पे लगा के प्रोब लगा के ये हमें चेक करना है 1 by 1। देखिए तो देखिए इधर कुछ भी नहीं इशू है, 3 नंबर के ट्रांजिस्टर पे नहीं हो रहा, इसका नंबर DC557 है, ये कुछ ओहम्स नहीं दिखा रहा है, उसके तीनों टांगों के बीच कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, जो बाकी को बाकी की जो 5 है तो मतलब इसमें तो सही आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम फॉल्टी मिला है मेरे को, जो बीच वाला है बराबर ये खराब है, नंबर का ट्रांजिस्टर तो उसको हमें देखना है। जो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये डबल साइड ट्रैक है, ऊपर से और नीचे से, जो काफ़ी मुश्किल होता है थोड़ा, अगर टूट गया वापस उसको रिपेयर करना टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, वरना बोला कि तो अंतर बोला जी एडिट करें इसे, आहिस्ता आहिस्ता उसको निकलने की कोशिश कीजिएगा। मैंने सोल्डर गन और डिसोल्डर वायर से उसको निकलता हूँ। चलिए तो निकलने की कोशिश हो रही है मेरी, तो पूरा सोल्डरिंग निकाल दिया मैंने, अगर आपके पास दूसरा बोर्ड है तो उसका भी आप निकाल के इसमें डाल सकते हैं जो खराब बोर्ड है। कभी कभी बोर्ड के पुर्जे अच्छे होते हैं सभी, उस समय ये काम में आ सकते हैं। तो ये BC557 है इसके अंदर, तो ये मैंने अभी ये डबल ट्रैक रहने के कारण थोड़ा निकलने के लिए तकलीफ दे रहा है, तो मैंने थोड़ा सा जोर ज़बरदस्ती करके थोड़ा सा नॉर्मली उसको निकाल ही लेता हूँ। थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है,
थोड़ा सा लूज हो गया है, देखते हैं। ये देखो निकल गया, ये देखिए बहुत बीसी 557 इसका नंबर है। ये मेरे कैमरे से जूम नहीं हो पा रहा है, लेकिन नहीं है वीडियो बनाने का, वही है माइक्रोन नहीं है तो डिस्प्ले नंबर। आप थोड़ा इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, जैसे 557 है ये। देखिए तो दोस्तों ये तो मैंने निकाल दिया है वापस, एक्चुअली ये वाला वीडियो लंबा होने के कारण मैंने डायरेक्ट इसको दूसरा रिप्लेस किया है नया वाला, तो डायरेक्ट मैंने चालू किया, थोड़ा थोड़ा सा स्किप किया। मीटर रीडिंग देखेंगे, रिकॉर्डिंग मीटर शो भी कर, डायरेक्ट लगाने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पहला थोड़ा सा ये ओके है करने के लिए भी, जो शूट होता है वो अकेला ही कर रहा हूँ, उसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने ये देखिए उसी ट्रांजिस्टर को सिक्वेंस है मैंने चेक किया है, तो अभी देखिए उसमें रेजिस्टेंस दिखा रहा है जो भी है। ये पहली बार कुछ भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है, लेकिन देखिए अच्छा खासा नहीं लगा है, जो प्रॉपर रेजिस्टेंस आना चाहिए ओम्स दिखाना चाहिए वो दिखा रहा है। ये जो है हमने रिप्लेस किया, प्रॉब्लम अभी तो लग रहा है कि सही हो गया, पूरा हो गया है, अभी आगे से लगाने के बाद ही देखेंगे कि प्रॉब्लम सही है क्या नहीं है। चलो मैंने डिस्प्ले केबल लगा दिया है, चलो उसको स्टार्ट करते हैं। अब तो हमने चालू किया, ये देखिए परम का काटा है ना, था तो देखिए मैंने स्टार्ट किया तो शुरू में है जो पूरा डिस्प्ले है चकाचक, चेक करेंगे ब्राइटनेस भी बढ़ गया और विजुअल डिस्प्ले भी, जो एक डिजिट कम था वो 0 point अपने कल 3 डिस्प्ले दिखा रहा था, तो बहुत बढ़िया ये सॉल्व हो गया है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नया नया कुछ आपके लिए देखें। देखिए मैंने वापस चालू किया, वही परम कंपनी का एक काटा है और पूरा चकाचक हो रहा है, नए जैसा काम कर रहा है, तो परफेक्टली ये हमारा काम बन गया एक सिंपल ट्रांजिस्टर से। आप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देके करना। तो चलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।